एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर देहात कोतवाली इलाके में अज्ञात बदमाशों ने होटल ढाबा मालिक व पूर्व ग्राम प्रधान राजेश यादव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल से वाराणसी ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। देहात कोतवाली क्षेत्र के बेलहरा मोड़ पर अज्ञात मोटरसाइकिल बदमाशों ने रात करीब 8:30 बजे होटल व्यवसायी व पूर्व प्रधान राजेश यादव को उस समय गोली मार दिया जब वह अपने होटल से वापस घर जा रहे थे। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल राजेश यादव को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना के संबंध में जाँच पड़ताल शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि गोली से घायल होने पर जिला अस्पताल लाया गया है, घटना कैसे घटी जांच की जा रही है। जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि सीने में दाहिने तरफ गोली मारी गई है। घायल राजेश यादव समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं। बरकचा के पास उनका होटल, जिसका संचालन भी वो खुद करते हैं। वारदात को पुरानी रंजिश से भी जोड़ा जा रहा है। प्रधान को गोली लगी, क्या है पूरा मामला, कौन ये व्यक्ति थे, क्या थे, कहां से आ रहे थे, क्या है? ये कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला है और एक राजेश नाम के व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर पूरी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ये पता चल पाया ये कहां से आ रहे थे या क्या ये पूर्व प्रधान क्या है? अभी जस्ट इंफॉर्मेशन मिली है और जैसे भी पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको अवगत कराया जाए। लगभग जब वो मरीज आया तो वेस्ट कंडीशन में था और ये एंट्री दिखा हमें, केवल एग्जिट होम तो दिखी नहीं, जिससे अनुमान लगता है कि एक ही गोली लगी हुई है और ये जो है राइट अपर चेस्ट में लगी हुई है, जस्ट एबव निप्पल, जस्ट बिलो निप्पल बोन। तो क्या उसकी डेथ है मतलब यहाँ आने पे की? नहीं नहीं, यहाँ आने पे डेथ नहीं, वो गैसमेंट कंडीशन में थी। हम लोग जो है ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ किए हैं, ठीक है। यहाँ से मरीज को रिफर भी कर दिए थे बीएचओ ट्रामा के लिए, मरीज चला भी गया।